हाय गाइस, वेलकम टू माय विमला देवी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी ज्ञान मुद्रा करने की विधि, ज्ञान मुद्रा करने की विधि और इसके लाभ। चलिए जानते हैं किस प्रकार इसे करना है। अंगूठे को तर्जनी उंगली के सिरे पर लगा देंगे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। शेष तीनों उंगलियों को हमें सीधा रखना है। सुबह या शाम के समय 30 से 45 मिनट तक का हमें ये समय रखना है करने के लिए, और पद्मासन में बैठ करके हमें ये करना होगा। घुटने के ऊपर अपने हाथ ले जा करके आपने इस तरह से मुद्रा बना लेनी है हाथ की। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन उंगलियों का काम नहीं है उन्हें सीधा रखना चाहिए या फिर सीधा रखे। इन मुद्राओं को करते समय आप वज्रासन, पद्मासन, सुखासन प्रयोग करना चाहिए। मानव शरीर पंच तत्व से बना है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। इन पांचों का असंतुलन होने से मानव शरीर में रोग हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती है। ये हस्त मुद्राएं करने से सभी रोग में बहुत जल्दी असर होता है, ठीक होते हैं। आज मैंने आपको ज्ञान मुद्रा करने की विधि बताई है, अब इसके लाभ जान लेते हैं। स्मरण शक्ति का विकास होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, पढ़ने में मन लगता है और मस्तिष्क के स्नायु मजबूत होते हैं। जिसको सरदर्द रहता है, सरदर्द दूर होता है, और अनिद्रा जिसको आती नहीं है, नींद नहीं आती है जिसको, उसको नींद आने लगती है। स्वभाव में परिवर्तन आता है और क्रोध का नाश होता है। इन मुद्राओं को प्रतिदिन 30 से 45 मिनट तक किया जा सकता है। एक बार में न करें तो दो बार में कर सकते हैं, यानी सुबह और शाम के समय दो बार में हम इन्हें कर सकते हैं। इनके बहुत फायदे हैं, अनेक लाभ हमें मिलती है। जहां शरीर में दवाई आराम नहीं करती है, ये योग मुद्राएं आराम करती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि करे योग रहे निरोग। ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगली बार मैं आपको वायु मुद्रा के बारे में जानकारी दूंगी।